ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ശ്രീനഗറിൽ യോഗ അഭ്യാസം നടത്തുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास स्तन संचालन का अभ्यास करेंगे. जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे. अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास. धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए. हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखे और दोनों हाथों को कोने से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोने को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोने को घड़ी की सुई के समान घुमाइए. इसका अभ्यास एक और बार करेंगे. पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए. धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास कटिचालन का अभ्यास. दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखे. दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए. हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा चढ़िए. श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. इसका अभ्यास विपरीत दिशा में. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया. जिन्हें भी घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए. हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. धीरे धीरे श्वास लगते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए. यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ. अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे. सभी आसनों का अभ्यास एक ही बार करेंगे. पहला आसन ताड़ासन. दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए. दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए. दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए. हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. यहाँ अभ्यास जिसे एनडीवी है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिडिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है.
दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखिए या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन कमर सिर सीधा रखें, इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पहले फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीघ्र दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों को बीच में 1 फुट के अंतर रखो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, अर्थ्राइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीघ्र दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़िया बाहर की तरफ है, घुटने धीरे होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन यहीं से हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए, घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई को ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें
और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गतिविधि को सरकार के शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका करके छाती को तर्जी पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए, पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शिथिल कंठासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखे और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर बना के रखे। दोनों एड़िया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं दिल को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखे और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, कोड़ी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन सायटिका कमर तक जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए, पुनः मकर आसन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपंसिंसा आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए, वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और
घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुखासन का अभ्यास करेंगे जिसे एबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए, सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखे, हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखे और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जों का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के